हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये फ्लावर वाली तोरण की डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इसके मैं 9 पैटर्न बनाया है। पहले 9, उसके बाद 8, 7, 4, 5 करके बनाया है। एक पैटर्न बना लिया है, दूसरे पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर करने। चलिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। पहले हम तो फ्लावर वाली ये तोरण पोटी बनाएंगे, उसके बाद डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये सारे कलर से तोरण बनाया है। मेरे ऊल फोर, देखिए मेरे ऊल 4 प्लाई का है और मेरे कुशिया है 2.5 mm। पहले हम तोरण पुट्टी बनाएंगे, उसके बाद डिजाइन बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तोरण पुट्टी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले 16 चेन लेना पड़ेगा, एक नॉट लगा कर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 चेन बनाकर 13 वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा। देखिए उसके बगल वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा। टोटल 13 डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा। मैं बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए 13 डबल क्रोशिया मैंने बना लिया है। उसके बाद 3 चेन लेकर डिजाइन को पलटना पड़ेगा। पलट के हाथ डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा। फिर से 13 डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिजाइन सीधे ए से शुरू होगा, उल्टे साइड पूरी ऐसे ही 13 डबल क्रोशिया 2 लाइन ऐसे ही बना लेना पड़ेगा, सीधे साइड और उल्टे साइड। फिर सीधे साइड से डिजाइन स्टार्ट होगा। मैं उल्टे साइड पूरी बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए 2 लाइन ऐसे ही बना लिया है। उसके बाद 3 चेन लेकर डिजाइन को पलटना पड़े, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा। दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, टोटल 3 होना चाहिए। 1, 2, 3, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया लेकर 3 हो गया। उसके बाद 3 चेन लेकर 3 डबल क्रोशिया छोड़ के 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के 4th वाली डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना। उसके बाद फिर से 3 चेन लेना है। 3 चेन लेके वही जहाँ पहले वाले डबल क्रोशिया बना था वही उसी होल पे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा। देखिए हम लोगों को दिखाते, फिर से 3 चेन लेकर 3 डबल क्रोशिया छोड़ के 1, 2, 3, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के लास्ट वाले 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा। ये 3rd वाली लाइन हो रहा है। 1, 2 लाइन ऐसे ही ये डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा। 3rd वाली लाइन में डिजाइन स्टार्ट हुआ। देखिए 3 डबल क्रोशिया 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर से 3 डबल क्रोशिया 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन लेकर लास्ट में 3 डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा। उसके बाद 3 चेन लेकर डिजाइन को पलट के फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा। फिर से 3 चेन लेकर इस होल पे आकर देखिए 7 डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा, लेकिन बीच में 2 चेन रहेगा। पहले डबल क्रोशिया बनाकर फिर 2 चेन लिया, फिर से एक डबल क्रोशिया।
फिर से टू चेन डबल क्रोशे, ऐसे सेवन टाइम बनाना पड़ेगा। टू चेन डबल क्रोशे, टू चेन डबल क्रोशे, यहाँ फ्लावर बनेंगे इसलिए ऐसे बना। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव हुआ है, सिक्स सेवन, सेवन टाइम डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा, बीच में टू चेन रहेगा। देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ, सिक्स होल होना चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया। उसके बाद थ्री चेन लेकर लास्ट वाले थ्री डबल क्रोशिया के ऊपर थ्री डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, फिर से थ्री चेन लेकर डिजाइन को पलटना, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, ये धागे को छोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ फ्लावर बनाना पड़ेगा और एक कलर से यहाँ फ्लावर बनाना पड़ेगा। आप लोगों को फ्लावर बनाना बता देती हूँ, फ्लावर सीधे साइड से बनेंगे, उल्टे साइड में धागा को छोड़ के ए फोर्थ वाली लाइन हो रहा है ये छोड़ के सीधे साइड पे आना है, सीधे साइड पे ऐसे राइट साइड से फ्लावर बनेंगे। देखिए पहले एक नॉट लगाया, पहले वाले होल पे पहले एक नॉट लगाना पड़ेगा, उसके बाद वन चेन, फिर से दो डबल क्रोशिया, देखिए धीरे धीरे बता रही हूँ, दो डबल क्रोशिया हो गया, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर से दो डबल क्रोशिया, वन चेन, वन सिंगल क्रोशिया, एक ही होल में होगा। देखिए एक पंखुड़ी बन गया है। उसके बाद दूसरे वाले होल पे देखिए, ये दूसरे वाले होल पे जाना, यहाँ पहले सिंगल क्रोशिया, वन चेन, दो डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर से दो डबल क्रोशिया, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया। देखिए दो पंखुड़ी बना लिया ऐसे इस, ये और जो फोर होल बचा है, फोर में फोर पंखुड़ी बनेंगे। मैं पूरी बनाकर आप लोगों को जोड़ना सिखाती हूँ। देखिए सिक्स पंखुड़ी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पंखुड़ी बनाने के बाद उल्टे साइड पे आना है, उल्टे साइड पे आकर फर्स्ट वाले जो वन चेन लिया था वहाँ ऐसे ही धागे को खींच के, देखिए ऐसे धागे को खींच के फिर सिंगल क्रोशिया बनाना, ऊपर की साइड ऐसे जोड़ के फिर एक चेन लेना, फिर दोनों को एक साथ एक सिंगल क्रोशिया बनाना, फिर एक नॉट लगाकर कांची के मदद से ऐसे काट काट के, देखिए इधर से धागा को डाल के इधर लाकर ऐसे छुपा, देखिए ऐसे फ्लावर बन जाएंगे। इस वाले डिजाइन रेड कलर को हटा कर फिर उल्टे साइड पे जहाँ से थ्री डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए दो जो थ्री चेन लिया था वहाँ थ्री डबल क्रोशिया फिर से बनाना पड़ेगा, वन
टू थ्री। तो ये डबल कुशिया बनाने के बाद ये जो होल बना हुआ है इसके अंदर से एक डबल कुशिया बनाना पड़ेगा, फिर थ्री चेन में थ्री डबल कुशिया बनेगी, वन टू थ्री, फिर थ्री डबल कुशिया के ऊपर थ्री डबल कुशिया। टोटल जैसे 13 था 13 ही बन जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 डबल कुशिया था, 13 डबल कुशिया। फिर से दो बार ऐसे ही 13 डबल कुशिया बनाना पड़ेगा। ये सीधे साइड हो रहा है, उल्टे साइड भी ऐसे ही फिर से 13 डबल कुशिया बनाकर फिर से एक फ्लावर बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं दो लाइन और सीधे उल्टे साइड बनाकर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, और दो लाइन ऐसे बना लिया, सीधे साइड पे आ गया। देखिए डिजाइन के बाद 1 2 3 थ्री लाइन बनाकर फिर से एक डिजाइन स्टार्ट करना है। देखिए फिर से थ्री डबल वन थ्री चेन वन डबल क्रोशिया और एक, टोटल थ्री हो जाएंगे। थ्री डबल क्रोशिया बनाकर थ्री चेन लेना पड़ेगा, थ्री चेन लेकर 1 2 3 थ्री डबल क्रोशिया छोड़ के फोर्थ वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा। देखिए फिर से थ्री चेन लेकर वही डबल क्रोशिया के होल पे और एक डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा। देखिए दो बार दिखा रही हूँ आप लोगों को ठीक से समझ में। उसके बाद थ्री चेन लेकर फिर थ्री डबल क्रोशिया छोड़ के 1 2 3 थ्री डबल क्रोशिया छोड़ के लास्ट वाले थ्री डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से थ्री डबल क्रोशिया बनाना। ऐसे पूरी तोरण पुट्टी बनेगी। फिर से थ्री चेन लेकर डिजाइन को पलट के फिर दो डबल क्रोशिया थ्री चेन लेकर दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो और डबल क्रोशिया बनेंगे। उसके बाद थ्री चेन लेकर इस होल पे सेवन डबल क्रोशिया बनेंगे, बीच में टू चेन रहेगा, वन डबल क्रोशिया बन गया है, टू चेन फिर से एक डबल क्रोशिया, ऐसे सेवन टाइम बनाना पड़ेगा, टू चेन वन डबल क्रोशिया, टू चेन वन डबल। देखिए फोर टाइम है और थ्री टाइम, टू चेन वन डबल क्रोशिया, टू चेन वन डबल क्रोशिया, टू चेन वन डबल। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक बार बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ फ्लावर बनाना पड़ेगा। देखिए फिर से थ्री चेन लेकर फिर थ्री डबल क्रोशिया के ऊपर थ्री डबल क्रोशिया, वन टू थ्री, थ्री चेन लेकर डिजाइन को पलटना पड़ेगा, पलट के यहाँ फ्लावर बनेंगे। और जैसे पहले बनाया था थ्री चेन लेकर फिर डिजाइन, यहाँ एक फ्लावर बनेंगे। इसके जो देखिए ये जो वायलेट कलर की बॉर्डर लगाई है कैसे बनाया है वो आप लोगों को सिखाती हूँ। देखिए एक नॉट लगाकर फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना पड़ेगा, वहीं और एक सिंगल क्रोशिया बनाना पड़ेगा, फिर
टू चेन लेना पड़ेगा। देखिए वन टू टू चेन लेकर एक डबल कुशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल कुशिया के ऊपर फिर से टू सिंगल कुशिया बनाना, टू सिंगल कुशिया टू चेन, फिर से टू चेन, एक ये डबल कुशिया छोड़ के फिर दूसरे वाले डबल कुशिया के ऊपर दो सिंगल कुशिया बनाना। देखिए ऐसे वन सिंगल कुशिया और एक, दो बार बनाना, फिर से टू चेन, फिर एक डबल कुशिया छोड़ के दो ऐसे सिंगल कुशिया बनाना। देखिए ऐसे पूरी तोरण पट्टी की बॉर्डर बन जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को डिजाइन बताना स्टार्ट करती हूँ। देखिए तोरण पट्टी को ऐसे पलट के आधा आधा करके फिर आधे में और एक डिजाइन बना लिया है और दूसरे बनाने वाली डिजाइन यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। डिजाइन हम लोग उल्टे साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से डिजाइन स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स डिजाइन स्टार्ट करते हैं। पहले येलो कलर से एक नॉट लगाना है, उसके बाद थ्री चेन लेकर फिर वहाँ ही एक डबल कुशिया बनाना है, फिर वन चेन लेकर फिर से एक, देखिए डबल कुशिया बनाना है, फिर से वन चेन लेकर एक डबल कुशिया बनाना। देखिए टोटल फोर हो जाएंगे। उसके बाद टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, फिफ्टीन चेन लेकर दो डिजाइन छोड़ के वन टू छोड़ के फिर यहाँ एक डबल कुशिया बनाना, फिर से फोर डबल कुशिया, बीच में वन चेन रहेगा, वन डबल कुशिया वन चेन, फिर से एक डबल कुशिया वन चेन, फिर से एक डबल कुशिया वन चेन, टोटल फोर टाइम करना पड़ेगा। देखिए ऐसे फिर से पंद्रह चेन लेना, फिफ्टीन चेन लेना, थ्री